बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले कम से कम 6 लाख लोगों को मेरा दिल से सलाम। हमारी ये YouTube की फैमिली 6 लाख से ज़्यादा की हो गई। देखते ही देखते ये सिलसिला कब शुरू हुआ और कब इतने ज़्यादा लोग इस काफिले में जुड़ गए, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे पे बैक कर सकता हूँ आप लोगों को, इस बारे में सोचते रहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी तरफ से बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है वो ये कि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ उस वक्त में जब हर तरफ प्रोपेगेंडा हो रहा है और मुश्किल है ये जाँचना कि कहाँ से मुस्तनद मालूमात आ सकती हैं। तो कोशिश करता हूँ जो दिखा रहा हूँ वही आपको बता भी सकूँ, बिकॉज क्लिक बेट्स का ज़माना है आजकल, लोग दिखाते कुछ हैं और बताते कुछ हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश हो सकती है वो मैं ज़रूर करता हूँ। आज भी काफ़ी ज़्यादा खबरें रही हैं, इसीलिए व्लॉग भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ खबरों की खोज में लगे हुए थे, कभी इधर जाना तो कभी उधर जाना, तो इसलिए व्लॉग भी थोड़ा लेट आया। एनीवेज़ आज 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको पता चल गया होगा निगरान वज़ीर आज़म की जो तैनाती, आज उसका अमल मुकम्मल हो गया। राजा रियाज साहब का अमल दखल बस ख़त्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी 2 दिन तक वज़ीर आज़म रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट राजा रियाज साहब तक का जो एक करैक्टर था, जो एक वो चीज़ बनी हुई थी हवा में कि जनाब इनका बहुत वो असर व रसूख है या यही सारा कुछ करने वाले हैं, अगर PTI ऐवान में होती तो शायद PTI कुछ नया कर देती या कुछ अलग कर सकती थी, अब सारी गेम इनके हाथ में चली गई। तो एक्चुअली वो बस हमें देखने में लगता था कि राजा रियाज इज़ अपोजिशन लीडर और वो पता नहीं शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर क्या कर देंगे, लेकिन उनका रोल अब ख़त्म हो गया और जितना उनका रोल था उस बारे में भी सबको पता है कि कितना वो इस्तेमाल हुए हैं, और अब वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे अब पता नहीं आवाम उनको आने देगी वापस इस ऐवान में या नहीं, क्योंकि जितना जमहूरियत को नुकसान इस अपोजिशन ने पहुँचाया, मौजूदा जो असम्बली की अपोजिशन थी जो कि दरहकीकत थी नहीं, ऐसा अपोजिशन लीडर जो ये कहता रहा कि मैं हुक्मरान जमात से आगे इलेक्शन लड़ूंगा, वो कैसा अपोजिशन लीडर हो सकता है। एनीवेज इसके ऊपर थोड़ा आगे चल के बात करते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म तैनात हुआ तो क्या PTI को कोई थ्रेट है, इसके ऊपर PTI का ऑफिशियल रद्दअमल भी आ गया। रद्दअमल एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इनसाइड क्या चल रहा है, PTI के कुछ लोग क्या सोच रहे हैं उस बारे में भी बात करेंगे, और फिर सबसे अहम इशू चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई का मामला है जो अब आहिस्ता आहिस्ता लटकता जा रहा है, और इस केस की जो पेस है वो इतनी स्लो कर दी गई है कि सब लोग हैरान हैं कि पहली या दूसरी पेशी के ऊपर या पहले या दूसरे दिन ही जिस चीज़ का फ़ैसला हो जाना चाहिए था, यानी उनकी जो मरकज़ी अपील थी सज़ा मौतली के हवाले से, वो केस अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा से अभी तक फिक्स नहीं हो सका, और बजाय इसके मरकज़ी केस को सुना जाए, उनके वकला को ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझा कर रख दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल के वकला की मुलाकात नहीं हो रही, खाना नहीं पहुँचाया जा रहा, ये नहीं हो रहा, कुरान पाक नहीं पहुंचाया जा रहा, जाय नमाज नहीं दिया जा रहा, वो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में फंसे हुए हैं, हालांकि वो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी, उसके ऊपर समाध होनी नहीं चाहिए थी, केस होना नहीं चाहिए था, बट स्टिल वो भी हो रहा है। लेकिन मरकज़ी अपील का क्या, उसके ऊपर भी बात करनी है। और फिर PTI ने आज एक रेड अलर्ट जारी किया है, वाकई में ये एक ख़तरनाक या खौफनाक बात है जिसके ऊपर PTI बार बार सिग्नल कर रही है, उन्होंने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर भी डाला। आज कोर कमेटी का इजलास हुआ तो उसका एलामिया भी इस हवाले से जारी किया गया, और आप लोगों को उन्होंने वार्न किया है कि इस मामले से खबरदार रहना है। इस सारे मामले की तफसील आपको बताऊँगा, लेकिन पहले चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो रुकावटें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान की 2 अपीलें हैं, एक है मरकज़ी अपील, दूसरी है सेकेंडरी। मरकज़ी अपील क्या है कि उनकी सज़ा मुअत्तल की जाए और उनको जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन उसकी तारीख जैसे मैंने बताया अभी तक वो नहीं तय हुई, पता नहीं अगले हफ्ते में कब तय होगी। 14 अगस्त तक छुट्टियाँ हैं तो यानी आज़ादी का दिन भी इमरान खान जेल में गुजारेंगे, उसके बाद जाके ये मामला होगा। हालांकि अदालत के ये नोटिस में है कि जिस फरीक का केस है या मुतासरा शख्स जो है वो एक ऐसे केस में जेल गया हुआ है जिसके ऊपर अभी फैसला होना बाकी था गवाहान वाला। खैर, दूसरी उनकी सेकेंडरी अपील है जिसमें एक तो दरख्वास्त की गई थी घर का खाना मंगवाया जाए, वकला की मुलाकात हो, अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए और उनको 1 लाश दी जाए। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये मामला अदालत में आना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्ट उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करते तो ये जो फैसिलिटीज़ मांगी जा रही हैं ये ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती अगर कोई आम प्रिजनर होता, लेकिन चूंकि इमरान खान है तो इसमें भी हर्डल्स हैं। तो अब क्या है जनाब, खाना घर का मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में फैसला अगली समाअत पर होगा।
और अगली समाअत कब होगी वो अगले हफ्ते में होगी। और फिर मुआवनत तलब की गई है कि जनाब अदालत को मुआवनत फराहम की जाए कि क्या उनको घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। इस दौरान जो पीटीआई के लोग हैं या उनकी लीगल टीम है और उनके जो अहले खाना है वो बार बार ये चीज़ हिंट कर रहे हैं कि जनाब उनको स्लो पॉइजनिंग का ख़तरा है और उनको कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है या बाद में उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए कम अज़ कम दो चीज़ें तो फौरी एमरजेंसी बुनियादों पर होनी चाहिए थी कि उनको घर का खाना मिलता और पानी मिलता। ये दो चीज़ें उनकी टीम जो है वो उनको प्रोवाइड करती। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई कबाहत नहीं थी जो कि ना दी जा सकती, बल्कि जेल इंतज़ामिया और सुपरिटेंडेंट जेल और बाकी सारा अमला भी इस चीज़ से मुबर्रा हो जाता कि जनाब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना डॉक्टर्स की टीमें रखनी पड़ती खाना चेक करने के लिए, ना कोई और तरद्दुद करना पड़ता, सिंपल उनको उनका घर का खाना देता है तो जिम्मेदारी भी आयद ना होती, फिर जो भी होता देखा जाता। इसके ऊपर लग गया जनाब क्रॉस के अभी इसका फैसला नहीं हुआ, ये अगली तारीख पे होगा। वुकला की मुलाकात का मामला वो टोटल का टोटल छोड़ दिया गया सुपरिटेंडेंट जेल पर और उनसे कहा गया है कि आप कोई तारीख या टाइम फिक्स कर दें, एक दिन या एक से ज़्यादा। ये ऑप्शन दे दिया गया उनको कि एक दिन या एक दिन से ज़्यादा जब आप चाहें। तो वुकला मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे इसका सारा इन्हिसार सुपरिटेंडेंट जेल पर चला गया। वो उनको मुनासिब लगेगा तो वो कहेंगे ठीक है मुलाकात करें, नहीं लगेगा तो वो पहले की तरह जो अभी तक रहा है कि मतलब कितने दिन हो गए, लगभग 7-8 दिन हो गए इमरान खान को और उनके वुकला एक बार सिर्फ मिल सके, सिर्फ एक बार, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सके। तो ये भी एक चीज़ नोटिस भी आनी चाहिए अदलिया के कि ये एक राइट है प्रिजनर का कि उसके पास उनका वकील जा सकता है, लेकिन इससे रोका गया। फिर अडयाला जेल मुंतकली का जो मामला है वो भी उसके ऊपर भी फैसला नहीं हुआ और फिर एक लाश देने का उसके ऊपर भी क्रॉस है कि जनाब अभी तक जब तक वो अडयाला मुंतकिल नहीं होंगे तो एक लाश नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, सारा मामला सेकेंडरी अपील में उलझा हुआ है। जो मरकज़ी अपील है उनकी जिसमें सजा मौतली का कहा गया है उसके ऊपर तो जनाब अभी तारीख ही नहीं है और वो मुतासर शख्स जो है वो जेल में बैठा हुआ है। और हैरान कन तौर पर इस केस की जो पेस है, स्पीड है, वो स्लो की गई है। एक दिन चीफ जस्टिस साहब ने अदालत ही नहीं लगाई, छुट्टी कर ली। जिस दिन गवाहान के हवाले से केस सुना जाना था उस दिन वो केस ही नहीं सुना गया। जो मरकज़ी अपील है वो अभी तक फिक्स नहीं हुई, जो फिक्स हो रही हैं उनकी तारीखें लंबी लंबी पड़ रही हैं। तो ये इस वक्त जो पीटीआई के वकला हैं वो इसके ऊपर शोर शराबा कर रहे हैं या सीख पाए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने कहा और बल्कि कोर कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें उन्होंने अपील की है, बल्कि इस्तदा की है चीफ जस्टिस से कि वो इमरान खान के इस केस से अलग हो जाएँ या अलहदा हो जाएँ, किसी और जज साहब के पास भेज दें ये केस। जब चीफ जस्टिस के पास पहले ये केस लेके गए पीटीआई वाले के देखे जनाब ट्रायल केस में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, हुमायूं दिलावर साहब हर दो दो घंटे के बाद समाअत कर रहे हैं, रोज़ाना कर रहे हैं, हमें वक्त भी नहीं दे रहे, तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर मेरे बस में हो या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से कहा था कि मैं अगर कानून बनाऊं या मेरे बस में हो तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो, अदालती तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए, बेहतर तरीक़ाकार, और ये बड़ी अच्छी बात है, जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन जब उसी फैसले के खिलाफ पीटीआई अदालत आई है और अब कह रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें, जल्दी समाअत करें, तेज़ी से समाअत करें, तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत नहीं हो रही, अब छुट्टियां भी आ रही हैं, अब 14 अगस्त की छुट्टी है, अभी ख़ुद वो एक बार बीमार हुए, तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। एनीवेज, इस सारे मामले पर तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उनका एक अहम इजलास हुआ जिसमें कानूनी माहरीन की मौजूदगी में इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। कोर कमेटी ने अपने इजलास का एक ऐलामिया भी जारी किया है इस फैसलों के हवाले से और उस ऐलामिया में ये बताया गया है कि अरकान ने इमरान खान को या उनकी जान को जो लाहक शदीद खतरात हैं उन पर अपनी राय का इजहार किया है और इमरान खान को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने की जो पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है वो रायगां जाती नज़र आ रही है। इसके ऊपर भी गौर हुआ, तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि अदालत में सुनवाई नहीं हो रही हमारी, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट जेल अडयाला तक आ जाएं ताकि उनको सहूलियात मिल सकें। फिर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत में जो बिला जवाज ताखीर की जा रही है इसके ऊपर पीटीआई ने मुतालबा किया है कि जिस तेज़ी से मुकदमे का ट्रायल किया गया है कम अज़ कम उतनी ही तेज़ी से हमारी दरख्वास्त ज़मानत भी सुनी जानी चाहिए। और इन ताखीरी हरबों पर कोर कमेटी के अरकान ने मुतफ़िक़ा राय के नतीजे में ये अपील की है या इस्तदा की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो इमरान खान के तमाम मुकदमात से अलग हो जाएं। ये पीटीआई का एलामिया मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, पीटीआई का एलामिया है जिसमें उन्होंने फिर ये भी एक एलामिया में कहा गया कि इमरान खान की खसूसी हिदायत पर पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाने का फ़ैसला किया गया था और उस फैसले को बरकरार रखा गया है कि जितने भी मुश्किल हालात हों, जितना भी मुश्किल वक्त हो, लेकिन मिली जोश व जज्बे के साथ ये दिन मनाया जाएगा। ताहम
इस ऐलान के साथ ही जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक क्रैकडाउन जैसी कैफियत शुरू हुई है उसका भी जायज़ा लिया गया और मजम्मत की गई कि क्यों ये पकड़ धकड़ एक बार फिर से शुरू की गई। फिर पार्टी झंडों की जो फरोख्त है उसके ऊपर भी एक ऐसा लग रहा है कि गैर ऐलानिया पाबंदी है कि जहाँ पर भी हैं पीटीआई के झंडे ना नज़र आए। और वाकई में अमलन ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है जगहों जगहों पर कि जहाँ जहाँ पर पहले पाकिस्तान के झंडे के साथ पीटीआई के झंडे होते थे वहाँ वहाँ पर अब बड़ी सख्ती है, बड़ी पाबंदी है। अब इक्का दुक्का जगहों पर नज़र भी आए बड़े बड़े उन्होंने पीटीआई के परचम लगा रखे, लेकिन जहाँ जहाँ पर थोड़ी सख्ती ज़्यादा है या ऐसे इलाके जो बिल्कुल इस्लामाबाद के मेन एरियाज़ हैं वहाँ पर कोई जरूरत नहीं कर रहा कि पीटीआई का झंडा रख के बैठे भेजने के लिए। इसी इजलास के दौरान जो सबसे खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है जिसके बारे में डिस्कस किया गया और बाद में पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी वो रेड अलर्ट टाइप एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया है कि ये इत्तलात मिल रही हैं कि कुछ शरंगेज़ अनासर खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती कर सकते हैं या उसकी तौहीन कर सकते हैं और इसका ज़िम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ को ठहराया जा सकता है। ये पीटीआई का कहना है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ दोहरा रहा हूँ कि पीटीआई के एलामिये में ये बात की गई है और ये कहा गया है कि इस सिलसिले में कोर कमेटी ने अपने कारकुनान को मुतनब्बे किया है कि ऐसे शरंगेज़ अनासर पर नज़र रखें और किसी भी जी होश या जी शऊर पाकिस्तानी के लिए कौमी परचम को नुकसान पहुँचाना या उसके साथ खिलवाड़ करना ये मुमकिन नहीं है। और मेरी अपनी नाकिस राय में भी अगर कोई इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन के या जानबूझकर किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या शरंगेज़ी के तौर पर भी ये कभी हरकत करने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल है कि एक वक्त में तो उसके हाथ पांव लरजने चाहिए कि वो ये किस किस्म की घटिया गंदी हरकत करने के बारे में सोच रहा है। अगर कोई ऐसा करने का सोच रहा है या आपके सामने होता आपको कहीं नज़र आए तो जूतियों से उसका स्वागत भी करें और पकड़ के किसी थाने शाने में भी पहुंचाएं और जो आपको मुनासिब इकदाम लगता है वो ज़रूर करें ताकि कोई ऐसा कदम उठाने का सोचे भी ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले भी एक दो व्लॉग्स में कह चुका हूं, वट एवर द सिचुएशन इज़ एंड नो मैटर वट द कंडीशन इज़ बट पाकिस्तान सबसे ऊपर है, परचम से ऊपर कुछ नहीं है। ये पार्टी के परचम, बाकी रहनुमा, कारकुन, ये सारी जद्दोजहद ये सारी उस परचम के नीचे ही है, इसलिए पाकिस्तान सबसे पहले। अब आ जाए ज़रा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शरीफ तो अभी मैंने जैसे बताया कि मज़ीद दो दिन रहेंगे, लेकिन राजा रियाज साहब की हो गई है छुट्टी, अब देखते हैं कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और क्या करते हैं। लेकिन इस तैनाती पर पीटीआई का जो इब्तदाई रद्दमल सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है। पीटीआई से वाबस्ता बाज़ अफराद कन्फ्यूज़ नज़र आए मुझे इस तैनाती पर। कुछ लोग इसे सराह रहे हैं कि जनाब अच्छी तैनाती है, उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनकी वो क्लिपिंग्स जो हैं वो निकाल निकाल के वायरल भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जो इन्होंने इमरान खान के बारे में कहा वो किस हद तक दुरुस्त है या वो किस हद तक पीटीआई के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। लाइक 9 मई के वाक़े के बाद उन्होंने जो इमरान खान से मुतालिक एक तकरीर की मुबैना तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है जिसमें वो इमरान खान को बहुत सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये तकरीर कोई बहुत पुरानी नहीं है, 9 मई के वाक़यात के बाद से है, तो उसको वो उन्होंने लिंक किया हुआ है। तो दैट मीन्स के हालिया तकरीर में वो इमरान खान के ऊपर ठीक ठाक गम व गुस्से का इजहार करते हुए देखे गए हैं। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी पर जैसे मैंने बताया कि पीटीआई के अंदरूनी हलकों में थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि क्या रद्दमल दिया जाए, किस तरह से इसको टेक ऑन किया जाए, तो फिर उसके बाद ऑफिशियल एक कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद एलामिया जारी किया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये शिकवा किया है कि चूँकि वो पार्लियामान के अंदर और बाहर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आइन की रूह से निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो हकीकी अपोजिशन लीडर है उससे मुशावरत होनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी सतह पर तहरीक इंसाफ को मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। अब जबकि अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म नामजद हो चुके हैं तो उन पर एक भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है और पीटीआई ने तवक्को की है कि सैनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के बाद जो 3 महीने में इंतखाबात कराने की जो आइनी मुद्दत है कम अज़ कम उसमें शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। मुश्किल लगता है ये मुतालबा, लेकिन मुतालबा करने में क्या जाता है, तो उन्होंने मुतालबा कर दिया है। तमाम सियासी जमातों को मुनसिफाना माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाने का भी मुतालबा किया गया है। ये कहा गया है कि निगरान हुकूमत की ये जिम्मेदारी है या बुनियादी फ़राइज़ में से एक है
कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त ज़ेर अताब है, उसके हज़ारों कारकुनान इस वक्त इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने हुए हैं, बाज़ जेलों में कैद हैं, कुछ रूपोश हैं, किसी के ऊपर मुकदमात हैं, और ख़ास तौर पर उनकी सियासी जमात के जो सरबरा हैं वो पाबंद सलासल हैं और बदतरीन सेंसरशिप की जद में भी हैं। तो इसलिए PTI का ये कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म को इन मामलात का भी फौरी तौर पर नोटिस लेना होगा और सारे फ्री कैंड को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में इंतखाब लड़ने का माहौल फराहम करना होगा। ये उनके बुनियादी फ्राइज में से है। लेकिन एज आई सेड अर्लियर के काकड़ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से एक पर्टिकुलर राय रखते हैं, उस राय को भी रद्द नहीं किया जा सकता या इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ओवरऑल सिचुएशन या सोच ये है कि बाकियों से कदरे वो बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म के नाम फ्लोट हो रहे थे उनमें से ये पर्सनैलिटी कुछ बेहतर हो सकती है, PTI के बाज़ हलकों की यह राय है। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू जज, अभी कुछ टाइम उन्हें देना पड़ेगा, कुछ वक्त उन्हें चाहिए होगा, फिर पता चलेगा उनके एक्शन से कि वो टूवर्ड्स PTI किस किस्म का माइंडसेट लेके चलते हैं। आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।